हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। तो आज का अपना केमिस्ट्री में टॉपिक रहेगा विलयता। टॉपिक का नाम है विलयता। यानी इंग्लिश में बोलते हैं सोल्युबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं विलयता होती क्या है। तो विलयता एक परिभाषा क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलाय की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा कहलाती है उसकी विलयता। किसी निश्चित ताप पर किसी विलाय की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसकी कहलाती है विलयता। यानी मान लीजिए कोई विलायक है, इसमें जो पदार्थ घोला जाएगा विलय, ये विलय पदार्थ इसी किसी निश्चित मात्रा से कितना घुल रहा है वो कहलाता है उसकी विलयता। और ये विलयता निर्भर करती है विलय पदार्थ और विलय पदार्थ दोनों की प्रकृति पर, यानी विलय और विलय की प्रकृति पर भी ये निर्भर करती है विलयता। और दूसरा निर्भर करती है ताप व दाब पर, ठीक है। यानी किसी विलय जो निश्चित मात्रा घुली है विलय पदार्थ की, वह विलय विलय और ताप और दाब पर निर्भर करती है। तो जो विलयता होती है अपने एनसीईआरटी सिलेबस में वो दो प्रकार की दे रखी है। तो नंबर एक है अपनी ठोसों की द्रवों में विलयता, यानी तो ठोस की द्रव में विलयता। और नंबर दो दे रखी है अपनी गैसों की द्रव में विलयता। एक बार ठोसों की द्रव में विलयता, एक है गैसों की द्रव में विलयता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ठोसों की द्रव में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता यानी कोई ठोस पदार्थ है किसी द्रव में घोला जाता है तो उसकी विलयता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देख ठोसों में कुछ ठोस पदार्थ होते हैं किसी विलायक में घुल जाते हैं, कुछ एक ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं किसी विलायक में नहीं घुलते। जैसे सोडियम क्लोराइड है, शर्करा है, जैसे एनिशियल है शर्करा है आदि, जो जल में यानी एक जल में विलय होती है, ठीक है, जल में विलय होती है। जबकि नेपथिलीन है, एंथ्रासीन है वगैरह है, ये जल में अविलय होती है। इसी प्रकार जो नेपथिलीन वगैरह है जो बेंजीन में विलय होती है, जल में अविलय होती है। तो ये विलयता होती है किसी ठोस की द्रव में विलयता। और किस प्रकार कौन से किस में विलय होंगे, कौन विलय किस में विलय नहीं होंगे, तो एक पॉइंट चलता है अपना इसमें, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है इसका अर्थ होता है एक होता है विलय, एक होता है विलायक। यानी दोनों विलय और विलायक दोनों समान परिवर्तिक हैं तो उनकी विलयता ज्यादा होगी। यदि विलय और विलायक दोनों भिन्न भिन्न परिवर्तिक हैं तो उनकी विलयता कम होगी। अब बात यह आती है कि समान और ऐसे होते हैं तो विलय और विलायक की परिवर्तिक दो, एक तो होती है ध्रुवे, एक होती है अध्रुवे, ध्रुवीय और दूसरी होती है अध्रुवीय। एक होता है ध्रुवे, एक होता है अध्रुवे। यदि विलय ध्रुवे है और विलायक भी ध्रुवे है, विलय भी ध्रुवे प्रवृत्ति का है, विलायक भी ध्रुवे प्रवृत्ति का है, तो उनकी विलयता अधिक होगी। और यदि विलय अध्रुवे है और विलायक भी अध्रुवे है तो उनकी विलयता अधिक होगी। यदि विलय ले लिया आपने ध्रुवे और विलायक ले लिया अध्रुवे तो उनकी विलयता कम होगी। यानी समान समान को घोलता है, दोनों की प्रवृत्ति कैसी है, या तो दोनों ध्रुवे ध्रुवे हैं या दोनों अध्रुवे अध्रुवे हैं तो उनकी विलयता अधिक होगी। यदि एक ले लिया ध्रुवे, एक ले लिया अध्रुवे तो उनकी विलयता हो जाती है कम। इसको बोलते हैं समान समान को घोलता है, ठीक है। तो ये यानी दोनों या तो ध्रुवे होंगे या दोनों अध्रुवीय होंगे तो उनकी विलयता अधिक होगी। यदि एक ध्रुवीय ले लिया, एक अध्रुवीय ले तो उनकी विलयता कम होगी।
ठीक है। इसी प्रकार जब किसी विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलय पदार्थ उसमें घुलता है, धीरे धीरे विलायक में क्या होता है, घुलने लगता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम विलीनीकरण। क्या बोलते हैं इसे? विलीनीकरण। ठीक है, कोई भी विलय किसी विलायक में घुलेगा तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम विलीनीकरण, यानी धीरे धीरे उसमें विलय होगा और जिसके फलस्वरूप सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। विलीनीकरण के फलस्वरूप सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, परंतु जैसे जैसे विलय घुलता जाएगा तो जो विलय पदार्थ घुल रहा है उसके कण और जो ठोस विलय है उसके कणों की संगत होती है, टक्कर होती है। ठीक है, और इस टक्कर को प्रक्रिया जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। ठीक है, इसके फलस्वरूप उसमें विलयता में क्रिस्टलीकरण जैसे शुरू होगा उसके बीच विलयता में धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। एक होती है विलयनीकरण, इसके फलस्वरूप सांद्रता में वृद्धि होती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि उसमें और घुलना कम हो जाएगा, इस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। इसमें और विलय पदार्थ घुलना कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप दो तीन छोटे छोटे पॉइंट आते हैं वो अपन देखते हैं। तो जब इस साम्यवस्था में और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल रहा उस कंडीशन पर अपन देखते हैं तो विलीनों के टाइप आते हैं। एक तो आता है संतृप्त, संतृप्त विलयन। नंबर दो आता है असंतृप्त विलयन। और नंबर तीन है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त यानी समान, संतृप्त यानी समान, यानी किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी दिए गए विलायक पदार्थ की किसी विलायक में उससे निश्चित ताप पर और अधिक नहीं घुल सकता वो उसकी अवस्था कहलाती है संतृप्त अवस्था। यानी किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलय पदार्थ अधिकतम घुल रहा है वो घुल रहा है उस अवस्था को बोलते हैं संतृप्त अवस्था, में और उस ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुला जा सकता। असंतृप्त यानी किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में और अधिक विलय पदार्थ घुला जा सकता है उस अवस्था को कहते हैं असंतृप्त अवस्था। एक तीसरी चलती है अति संतृप्त अवस्था। अति यानी बहुत ज्यादा, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल रही है आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में घुल रही है उस अवस्था को कहते हैं अति संतृप्त अवस्था। फिर से देखिए संतृप्त अवस्था, असंतृप्त अवस्था और अति संतृप्त अवस्था। संतृप्त यानी किसी निश्चित ताप पर उसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल रही, जितनी घुल सके घुल रही है उसे कहते हैं संतृप्त अवस्था। असंतृप्त यानी उस ताप पर उस निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ घोला जा सकता है उसे कहते हैं असंतृप्त अवस्था। एक है अति संतृप्त, अति बहुत ज्यादा, निश्चित ताप पर जितना विलय पदार्थ घुल रहा है उससे ज्यादा मात्रा में घुल रहा है उसे कहते हैं अति संतृप्त अवस्था। तो ठोसों की द्रव में विलयता यानी समान समान को घुलता है, विलय और विलायक दोनों ध्रुव है या दोनों अध्रुव है तो उनकी विलयता अधिक होगी। ठीक है, और एक निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की आवश्यक मात्रा जितनी है उतनी घुल रही है तो उसे कहते हैं संतृप्त, उससे कम घुल रही है उसे कहते हैं असंतृप्त और उससे ज्यादा घुल रही है उसे कहते हैं अति संतृप्त। ठीक है, अब ये तो था अपना पॉइंट विलय विलायक की प्रवृत्ति, यानी विलय विलयता को प्रभावित करने में, ठोसों की धर्म विलयता पर को प्रभावित करने में विलय और विलायक की प्रवृत्ति दोनों समान है या दोनों भिन्न भिन्न है। एक पॉइंट और काम करता है इसमें ताप, तो ठोसों की द्रव्य विलयता पर ताप का प्रभाव को अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए ताप का प्रभाव, तो ताप के प्रभाव में अपने दो पॉइंट चलते हैं। नंबर एक तो है ऊष्मा क्षेपी और नंबर दो चलता है ऊष्मा शोषी। यदि किसी ठोस को किसी द्रव में डालते समय ताप के प्रभाव का अध्ययन करते समय यदि किसी ठोस को द्रव में डालते समय यदि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी हो रही है या अभिक्रिया उष्मा शोषी हो रही है, ठीक है, तो ला शैथिली नियम के अनुसार
यहाँ पर नियम लगेगा, अपने 11th पढ़ा होगा लास्ट शैथिल्य नियम। तो यदि किसी ठोस को द्रव में डालते इसमें अभिक्रिया ऊष्मा छेपी हो रही है या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो रही है, ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा बाहर निकल गई, ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा की अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। यदि किसी ठोस को द्रव में घोलते समय यदि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, यदि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलयता में आएगी कमी। अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ताप बढ़ाने में विलयता में आएगी कमी। और यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो विलयता में होती है वृद्धि, विलयता में क्या होती है वृद्धि। ठीक है, तो ये तो था अपना ठोसों की द्रव विलयता पर ताप का प्रभाव, यानी अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है तो विलयता में होती है कमी, और यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो विलयता होती है वृद्धि। ठीक है, इस प्रकार अपनी विलयता का जो पहला पॉइंट था अपनी ठोसों की द्रव में विलयता क्या होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक, इसका अपना आज डिटेल से अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।